हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे अमेजिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जिसे आप अपने विंडो या आईमैक किसी भी लैपटॉप पीसी में यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फ़ीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों, आपको मैं इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दूँगा जिससे कि आपको वीडियो एडिटिंग में थोड़ी आसानी होगी। चलिए, अब सस्पेंस को ख़त्म करते हुए आपको इस सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम है द विंची रिजॉल्व और ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलता है। इसमें आपको ना ही कोई वाटरमार्क मिलेगा, ना ही कोई ट्रायल वर्जन, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सारे फीचर्स के साथ आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे गूगल ओपन कर लेना है, देन आपको गूगल के सर्च बार पे टाइप करना है द विंची रिजॉल्व। जैसे ही आप द विंची रिजॉल्व सर्च करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होएगा और आप सामने देख सकते हैं, आपको सबसे पहले दिख रहा होगा द विंची रिजॉल्व 17 ब्लैक मैजिक डिज़ाइन। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, blackmagicdesign.com। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। गाइस, ये इनका ऑफिशियल पेज है, द विंची रिजॉल्व 17 आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा। गाइज, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अमेजिंग है, आप इसमें प्रोफेशनल तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइज, अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, द विंची रिजॉल्व 17 का स्टूडियो वर्जन, द विंची रिजॉल्व 16 और 16 का स्टूडियो वर्जन। गाइज, वीडियो पॉज करके आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका जो स्टूडियो वर्जन है ये पेड वर्जन है, इसलिए आपको स्टूडियो वर्जन डाउनलोड नहीं करना है। आपको डाउनलोड करना है द विंची रिजॉल्व 16, क्योंकि 17 का भी आपको यहाँ पर बीटा वर्जन ही अवेलेबल है। अब क्योंकि मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका विंडो वर्जन डाउनलोड करूँगा। विंडो पे क्लिक करना है। अब क्लिक करना है डाउनलोड नाउ पे। गाइज, अब आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करके डाउनलोड कर सकें। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर दी हैं। दोस्तों, सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। एक बार आपको डाउनलोड्स में ले जाकर ये दिखा देता हूँ कि इसका फाइल साइज़ टोटल कितना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका टोटल फाइल साइज़ 1.6 GB का है। गाइस, डाउनलोडिंग के बाद इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाकर आपको बोर नहीं करूंगा, इसलिए चलते हैं अब सीधे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसे डाउनलोड कर दिया और अपना द विंची रिजॉल्व 16 ओपन हो रहा है। अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको वीडियो एडिट करने में थोड़ी आसानी होगी। द विंची रिजॉल्व में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ नीचे आप पहले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप ऊपर यहाँ से अपनी वीडियो फाइल्स इम्पोर्ट कर सकते हैं और अपनी खुद की टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। टाइमलाइन क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ट्रिम करने का। यहाँ पे आप अपनी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं कोई भी पार्ट आप जो आपको नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एडिटिंग का। यहाँ पे आप अपनी वीडियो की फुल फ्लेज एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने वीडियो में ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो फीचर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो में टेक्स्ट एडिट करना है या किसी भी तरह का कोई भी ओवरले करना है या कोई एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पर हर तरह की एडिटिंग अपनी वीडियो में कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इफ़ेक्ट्स का। इससे आप अपनी वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट अपनी वीडियो में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कलर सेटिंग का। यहाँ पे आप अपनी वीडियो में हर तरह की कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कलर सेचुरेशन चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, हर तरह की कलर एडजस्टमेंट आप अपनी वीडियो में यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगला और आखिरी ऑप्शन आपको मिलता है म्यूज़िक एडजस्टमेंट का। यहाँ से आप अपनी वीडियो में हर तरह का म्यूज़िक लगा सकते हैं, उसके साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है वीडियो को रेंडर करने का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी वीडियो को रेंडर कर पाएंगे। यहाँ पे आप अपनी वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं रेंडर करने से पहले। जैसे आपको लगेगा कि आपकी वीडियो पूरी तरह से एडिट हो चुकी है तो आप यहाँ पर स्टार्ट रेंडर पर क्लिक करके अपनी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। साथ ही आप और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं ये नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो।